कि एक प्रकार से लोकतंत्र का अपहरण हो गया है और प्रजातंत्र का एक तरीके से कत्ल हमारे देश के अंदर हो रहा है। और ये दो वृतांत क्या हैं जो आज तक के इतिहास में कभी भी नहीं हुए, हम उसको दोहराना चाहते हैं। एक तो आज तक के लोकतांत्रिक इतिहास के अंदर कभी भी स्पीकर के, विधानसभा के अध्यक्ष के नोटिस को विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा की गई किसी शुरुआत की गई किसी कार्रवाई को आज तक के लोकतांत्रिक इतिहास में कभी भी रोका नहीं गया। विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय को जरूर कोर्ट उसको कॉन्स्टिट्यूशनली एग्जामिन करती है, लेकिन उसकी प्रक्रिया को, निर्णय देने से पहले की प्रक्रिया को कभी भी रोका नहीं गया। और इसके अंदर संवैधानिक, इसके अंदर पूरे प्रावधान हैं और साथ में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं जिसके बारे में विस्तार से चर्चा पीछे करी गई है। लेकिन बड़ा स्पष्ट है, आप सब लोगों को, हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय लेने की प्रक्रिया के अंदर आज तक के कभी भी रुकावट नहीं हुई है, जो आज पहली बार यहां पर राजस्थान में हुई। और दूसरा वृतांत जो वो भी ऐतिहासिक है, जो आज तक कभी भी नहीं हुआ, कि सरकार, चुनी हुई सरकार, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार आज विधानसभा का सत्र बुला रही है, बुलाना चाहती है, और उसको, उसके अंदर रुकावटें पैदा करी जा रही हैं। और अगर ये रोका जाता है तो ये भी अपने आप में लोकतंत्र के अंदर भारत में पहली बार ऐसा होगा कि चुनी हुई सरकार को, जिसके एड एंड एडवाइस पे, जिसके कहने के ऊपर राज्यपाल को चलना होता है, वो चुनी हुई सरकार के कहने के बावजूद, कैबिनेट के डिसीजन के बावजूद, वो अभी तक सत्र नहीं बुला रहे हैं। ये भी आज पहली बार ऐसा हमारे देश के इतिहास में हो रहा है। तो इतना बड़ा एक तरीके से संवैधानिक संकट और लोकतांत्रिक हत्या हमारे यहाँ पर राजस्थान में हो रही है।